काउंटिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, बहुत ही मूर्तियां बनाई हैं। बहुत बड़ी काउंटिंग बात है। तो नहीं कर सकता कोई, हजारों के ऊपर ही मूर्तियां गई हैं, बहुत जी, मूर्तियां बना चुका हूँ। तपाईँलाई मंजुल कस्तो लाग्छ? मंजुल की जितनी बात की जाए, जितनी हजुर, प्रशंसा की जाए, कम है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस ही काम होगा। हजुर अगर जब वो मूर्ति तैयार होगी तब वो दिखाई जाएगी टीवी पे, हजुर अखबारों में या कहीं हजुर भी। लाई तो ये जो कसरी दिल भेट्ने? दिल की दीवार बनी हुई है, इसको हमें क्रॉस करना है, तब हम वहाँ जाएंगे। तपाईँबाट हिम्मत सुरु भयो। करके, विश्वास करके मैं आया, विश्वास पे खरे उतरे मंजुल भाई। हमारे हवस। लिए नेपाल, जापान, अमेरिका, जो भी देश है, जहाँ भी देश के आर्टिस्ट हैं, वो सब हमारे भाई हैं। शब्दहरूको जादूमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई थलैचा इन्टरटेनमेन्टमा। म छु यहाँहरूको मित्र कृष्ण उदासी। यति बेला मैले एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आज बडो राम्रो संयोग पनि जुरेको छ। मन्जुल मितेरीलाई भेट्न आउनुभएका, राजस्थानबाट आउनुभएका सुमन कुमार द्विवेदीलाई आजको कार्यक्रमको लागि लिएर आउन पाउँदा म एकदमै हर्षित भएको छु। उहाँ एकदमै राम्रो मूर्तिकार हुनुहुन्छ। उहाँले इन्डियामा थुप्रै प्रख्यात व्यक्तिहरूका मूर्ति बनाएर एकदम प्रसिद्धि कमाइराख्नु भएको छ। उहाँसँग आज विशेष गफ हुनेछ हाम्रो। म हिन्दी बुझ्छु तर राम्ररी बोल्न सक्दिनँ, जति बोल्नु पर्थ्यो त्यसरी बोल्न सक्दिनँ, र उहाँ पनि नेपाली बुझ्नुहुन्छ, जसरी बोल्नुपर्छ उहाँ त्यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ। र हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि म नेपालीमा उहाँलाई प्रश्न सोध्छु, उहाँले हिन्दीमै हामीलाई उत्तर दिनुहुनेछ। यो कला क्षेत्र अजीब हुन्छ। उहाँलाई मैले पहिलोपल्ट देखेँ, तर उहाँलाई पहिलोपल्ट देख्ने बित्तिकै उहाँ मेरो साथी हुनुभएको छ, मेरो मित्र हुनुभएको छ। यो कला क्षेत्र विशेष खालको हुन्छ। कला क्षेत्रमा राजनीति हुँदैन, हामीलाई सिमानाले छेक्दैन। उहाँ भारतको हुनुहुन्छ, म नेपालको छु, हामी बिच सिमाना छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँ कला क्षेत्रको मान्छे, म कला क्षेत्रलाई मन पराउँछु। म यति बेला सुमनजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम तपाईँलाई। नमस्कार। थलैचा इन्टरटेनमेन्टमा तपाईँ भारतदेखि नेपाल आउनु भएको छ? भारत से मैं नेपाल आया। हजुर। तो मुझे नेपाल भी बहुत अच्छा लगा। हजुर। और यहाँ के जो लोग हैं, जो मित्र लोग हैं, या नेपाली जो भी हैं, जिनको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, सभी को जैसे मैंने देखा घूम के फिर के काम करके, तो उनका व्यवहार, मान सम्मान बहुत अच्छा है। तपाईँलाई नेपालको यति प्रशंसा गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै। तपाईँ नेपाल किन आउनुभयो? नेपाल मेरा मित्र, जो फर्स्ट टाइम जिससे मेरे दोस्ती हुई थी फेसबुक के द्वारा, मंजुल मितेरी, उनसे मेरा फेसबुक पे हमारा बातचीत हुआ, होते होते एक साल हुआ। फिर उन्होंने मुझे इधर, जब हमारा प्रेम बढ़ गया, तब उन्होंने काम के लिए मुझे इधर बुलाया। मैं उस काम को इंडिया से करके, इंडिया के मार्बल में एक मूर्ति बना के इधर लाया था, व्हाइट मार्बल जो हमारे इंडिया में होता है, उसको मैं लेके इधर आया। फिर मंजुल भाई को काम बहुत अच्छा लगा, फिर हम दोनों ने मिल के काम किया। उन्होंने फिर इधर भी मेरे से काम के लिए डील की, तो मैंने हाँ किया और इधर भी काम बैठ के किया पिछले साल दिसंबर में। अभी फिर आया, फिर मैंने इधर काम 2 साल बनाया इधर। तो अब ये आना जाना लगा रहता है मंजुल भाई के साथ, तो उनका प्रेम इधर खींच के लाया। नेपाल का जो प्रेम है, उसने सीमा, जो भी भारत और नेपाल की जो सीमा, उसको वो नहीं समझता है हम भारतीय हैं या नेपाली हैं। सीमा मिट गया, मिट गया सीमा, कुछ भी नहीं सीमा, नहीं नहीं कुछ नहीं। अब हम हमें ये नहीं लगता, इधर मैं बैठ के अगर मैं 1 महीने भी रुकता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं भारत में हूँ या नेपाल में हूँ। मुझे यही लगता है मैं मेरे घर में ही हूँ, ये चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, सीमा है सिर्फ बीच में, बाकी दिलों में कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं। तपाईँलाई मन्जुल कस्तो लाग्छ? मन्जुल के जितनी बात की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। और मन्जुल के जो भी फ्रेंड्स, परिवार, भाभी जी, बच्चे, यार दोस्त, आप भी उनके मित्र हैं, आपसे मिला बड़ी खुशी हुई। तो जैसे सबसे मिलते हैं मित्र, जो भी मित्र मंडली होती है, तो एक दूसरे को जैसे मंजुल भाई मिलाते हैं, ये सुमन कुमार द्विवेदी जयपुर से आए हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना। और मंजुल मितेरी हैं जो नेपाल के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनसे मिलना तो हमारा सौभाग्य है। तपाईँलाई नेपालमा आएपछि
मन्जुलसँग भेट्नुभयो, उहाँ अहिले विश्वको 200 वर्षभित्रको ठुलो मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ, बुद्धको मूर्ति। हाँ, मन्जुल भाइ हजुर, जापानमा। जापानमा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस ही काम होगा। अगर जब वो मूर्ति तैयार होगी तब वो दिखाई जाएगी टीवी पे, अखबारों में या कहीं भी, तो बहुत बड़ा मूर्ति का काम है। और वो बना रहे हैं तो हमें तो बहुत बड़ा हर्ष होता है कि हाँ, हमारे मित्र इतना बड़ा बहुत बड़ा विशाल काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो खूब बधाई है उनके लिए। जो भी हमसे बनता है मेहनत सहयोग, वो सब उनके लिए तत्पर है। जस्तो मन्जुल जीले त नेपाललाई विश्व प्रसिद्ध 1000 जना व्यक्तिहरूको मूर्ति नेपाललाई राष्ट्रलाई अर्पण गर्छु भन्नुभएको छ। हाँ, मैंने सुना है कि वो 1000 मूर्ति विश्व के जो भी प्रख्यात हैं, वो किसी भी देश से संबंध रखते हो, वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट कुछ भी हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, तो उनका 1000 मूर्ति उनका देने का लक्ष्य है, उन्होंने कर रखा है, मानस बना रखा है। तो वो बना भी रहे हैं कुछ, और मैं चाहूँगा कि उनका लक्ष्य पूरा हो। मेरी दुआ है, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका ये लक्ष्य अवश्य पूरा हो। कभी भी जीवन में जो भी वो काम करने की सोचे तो दोस्त के लिए दुआ हमारी हमेशा रहेगी कि पूरा हो, हम भी उनका साथ देंगे अगर जो हमारी जरूरत पड़ी। तपाईलाई तपाईले त हाम्रो शरीरमा काँडा उमारिदिनु भयो, जिरिङ्ग बनाइदिनु भयो। जस्तो तपाई नेपालमा आउनु भएको छ मन्जुलजीको कारणले आउनु भएको छ, तपाई विशेष गरेर मार्बलमा मूर्ति बनाउनुहुन्छ, अनुहारलाई जस्ताको तस्तै उतार्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँले बनाउनु भएका केही मूर्तिहरू हामी दृश्यमा राख्नेछौँ। हेर्नु होला यो उहाँले बनाउनु भएका मूर्तिहरू, अत्यन्तै सफल मूर्तिकार हुनुहुन्छ। उहाँले भारतको जुनसुकै क्रिकेट स्टेडियमहरूमा उहाँलाई फ्री छ जानलाई, कुनै रोकटोक छैन, किनभने उहाँले त्यो खालको प्रसिद्धि कमाइसक्नु भएको छ। अनुहारलाई, मान्छेको अनुहारलाई उहाँ जस्ताको तस्तै उतारिदिन सक्नुहुन्छ, यो खुबी उहाँसँग छ। हामीले यस्ता प्रख्यात मान्छेसँग पनि हामी आज बसेर भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ, उहाँको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ। तपाईँले सबभन्दा पहिला मूर्ति कति सालमा, कत्रो उमेरमा बनाउनु भएको थियो, तपाईँको उमेर कति थियो सबभन्दा पहिला मूर्ति बनाउन थाल्दा? यसो त मैले जो काम की जो स्टार्टिङ की है, जब सीखने से जो शुरुआत जिसको हम बोलते हैं, तो 23 जुलाई 2001 को मैंने काम स्टार्ट किया था। सीखना 19 वर्ष पहले मैंने काम को सीखने। अपना उम्र कितना था तब? लगभग अभी मेरा उम्र 39 में हुआ है, तो 19 वर्ष पहले करीब 20 साल का, 20 वर्ष का था। शुरू में तुम्हें मूर्ति बनाने था, 20 वर्ष का। हाँ, सीखना चालू किया था, सीखा था। सीखना चालू किया, उसके बाद में 3-4-5 साल सीखा, फिर मेहनत किया, करता गया। मतलब फर्स्ट टाइम जितना जुनून से काम सीखने का था, तो उस जुनून से काम किया, तब जाके आज इस स्टेज पे आया था। मेहनत बहुत है, और मेहनत मैं चाहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट बनते हैं या जो भी सीखते हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको तो हमारा यही मैसेज है कि जितना हो सके आप जितना मेहनत करोगे, उतना ही आप लक्ष्य की प्राप्ति करोगे, उतना ही निखार आता जाएगा। पहले थोड़ा मूर्तिगत खराब बनेगा, फिर थोड़ा सुधार होएगा, करते 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 सभी को करना होता है मेहनत। अहिलेसम्म में तपाईले कतिवटा मूर्ति बनाइसक्नु भएको छ बनाउन थालेपछि यो 19 वर्षको बीचमा? काउंटिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, बहुत ही मूर्तियां बनाई हैं। काउंटिंग तो नहीं कर सकता, कोई हजारों के ऊपर ही मूर्तियां गई हैं, बहुत मूर्तियां बना चुका हूँ। विशेष गरेर तपाईले आफ्नो शौकले बनाउनुहुन्छ कि कसैको अर्डरको मूर्तिहरू बनाउनुहुन्छ? शौक से भी बनाते हैं हम, और अर्डर से भी बनाते हैं। ज्यादातर तो अर्डर इतना होता है कि शौक को बहुत कम टाइम मिल पाता है, शौक से बनाते हैं। लेकिन जो शौक से जो हम मूर्ति बनाते हैं, तो वो टाइमिंग नहीं रहता उसमें, ऐसे जैसे 10 दिन 2 दिन 5 दिन काम किया, फिर ऑर्डर का मूर्ति आया, तो पहले ऑर्डर का काम पूरा किया, फिर वापस से उस पर हम जुड़ जाते हैं,
तो अपना जो शौक का जो काम है वो धीरे धीरे 2-6 महीने में जाके पूरा होता है। ऑर्डर का काम पहले पूरा करते हैं क्योंकि जब काम ज्यादा है तो करना पड़ेगा ऑर्डर। इसको मतलब तपाईं आफ्नो जिम्मेवारीलाई सबभन्दा पहिला सक्नु पर्छ भन्ने मान्यता सबैको छ, तपाईंको पनि त्यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हाँ, परिवार की हजुर परिवार की जिम्मेवारी तो लेनी ही पड़ती है। तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईंका बेबी बच्चाहरु के छ कसो छ? मेरे 2 बेटी हैं और 1 लड़का है। बड़ी बेटी मेरी करीब 8th क्लास में पढ़ रही है और छोटी 5th क्लास में है, लड़का 4th क्लास में है। तो मैं इंडिया से जब इधर आता हूँ तो सब लोग बहुत याद करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो थोड़ा कंफ्यूज थे फैमिली वाले कि बाहर जा रहा है कैसे हैं कैसे क्या है, लेकिन विश्वास था मंजुल भाई का। इधर आया फर्स्ट टाइम जब आया तो बहुत विश्वास से आया था कि नहीं, जब तक हम नहीं जाएंगे तो मिलेंगे कैसे? ठीक, तब तक हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे तो मिलेंगे कैसे? बॉर्डर को हमें तोड़ना है, ये जो दिल की दीवार बनी हुई है इसको हमें क्रॉस करना है, तब हम वहाँ जाएंगे। हिम्मत करके विश्वास करके मैं आया, विश्वास पे खड़े उतरे मंजुल भाई और उसी विश्वास के द्वारा मैं 4थी बार आया हूँ इंडिया से। हाँ, 4थी बार में आया हूँ, 2 साल में 4 बार आ चुका हूँ मैं। 2 वर्ष में 4 पटक आ चुका हूँ और 2 बार काम कर चुका हूँ इधर आके। तो आज मुझे लगता नहीं नेपाल है में की को मूर्ति बनाने को नेपाल में 4 महीने पहले फर्स्ट टाइम जब आया था मंजुल भाई के इधर तो 4 साली का बनाया था, हाफ वर्ष जो हम बोलते हैं हाफ, तो वो 4 साली का बनाया था आदमी का। और अभी जब मैं आया हूँ तो 2.5 फीट का एक ऋषि का मूर्ति बनाया है और 1-2 फीट का अपने जो रेड क्रॉस दमक में लगेगा एक स्टेचू, रेड क्रॉस कोई बैंक है ब्लड बैंक उसमें लगेगा, जिस जो संस्थापक है ब्लड डोनेट के उनका मूर्ति बनाया। तपाईले एउटा क्रिकेटर को एकजना क्रिकेटर को अत्यन्तै सुन्दर मूर्ति बनाएर उपहार दिनुभयो। हाँ, भारतकै क्रिकेटर भारत को अस्ट्रेलियन क्रिकेटर को पनि बनाएर उपहार दिनुभयो। यसको बारेमा थोरै भन्दिनु न। फर्स्ट टाइम सन 2011 में 2011 में मुझे क्योंकि बचपन में क्रिकेट बहुत खेला है तो इच्छा भी थी क्रिकेटर बने और कोशिश भी की गए भी, लेकिन हमारे जो मेरा जो टाइम था उस टाइम, तो उस टाइम से 92-93 में क्रिकेट का इतना कोई वो नहीं था प्रोसीजर, तो मैं गया भी था खेलने, दिल्ली भी गया था, दिल्ली खेला, इधर स्टेट भी खेला, तो धीरे धीरे फिर उधर से मैंने छोड़ के कला क्षेत्र में मैं आ गया क्योंकि मेरे फादर भी आर्टिस्ट हैं। तो फादर आर्टिस्ट हैं, बड़े भाई भी आर्टिस्ट हैं, छोटा भाई भी आर्टिस्ट है। क्या बनाउनुहुन्छ उहाँहरु? मूर्ति कला नै हो उहाँहरुको पनि कि के हो उहाँको फील्ड? नो, मूर्ति का ही, मार्बल की मूर्ति का ही बनाने का, सबैको परिवार का ही हो गया, पर पूरा परिवार मूर्तिकार है, मूर्ति बनाते हैं। तो फिर मैंने 2011 में जब मैं थोड़ा काम सीखा मुझे लगा तो वो शौक, जिस जैसे आपने पहले पूछा शौक या मूर्ति, तो वो शौक में मैंने शैन वन का फर्स्ट टाइम मूर्ति बनाने का सोचा कि क्रिकेट जगत में मैं जा नहीं पाया तो इस जरिए से मैं जा सकता हूँ, एक शौक भी हो गया और एक जो हमारा इंडिया का जो काम है ये राजस्थान, इंडिया में जो राजस्थान जयपुर है, जयपुर वर्ल्ड में अगर माने तो वर्ल्ड में फेमस है आर्ट के लिए, मूर्ति के आर्ट हो, चाहे वो स्टोन आर्ट हो, चाहे वो कपड़े की आर्ट हो, चाहे वो चूड़े की आर्ट हो, बहुत तरीके से कला जगत जो स्टोन से संबंधित चीज़ है बहुत ज़बरदस्त, हीरे जवाहर बहुत फेमस है। तो उस टाइम मैंने देखा कि इस आर्ट को क्यों ना ऊपर लेके जाया जाए, क्योंकि जब लोग देखेंगे तभी तो समझेंगे। तो वो मैंने मन में ठाना कि नहीं, मुझे बनाना है, बहुत डर भी था कि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी हिम्मत रख के मेरे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने हिम्मत दी, हाँ करेगा तो होगा, हिम्मत से हमने वो काम किया। काम करने के बाद उसको हम खड़े उतरे और वो प्रेजेंटिंग मैंने शैनवान को राजस्थान के जयपुर SMS स्टेडियम में प्रेजेंटिंग दी थी शैनवान को सन 2011 में। वाले की बनने को थी प्रेजेंटर? वो बहुत खुश हुए मूर्ति को देखकर, सभी क्रिकेटर सुबह उधर देखे मूर्ति को तो बहुत खुश हुए कि क्या चीज बनाया मार्बल में, वो मतलब वो बहुत खुश हुए, बहुत मिले प्रशंसा की, लेके वो गए वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने राहुल द्रविड़ जो हमारे राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बने,
फर्स्ट टाइम 2011 में शेन वॉन कैप्टन थे ऑस्ट्रेलियन, तो उनको दिया, फिर राहुल द्रविड़ कैप्टन बने, तो फिर उनको उनकी मूर्ति बनाने के मन में आया। तो तब जब मैंने शेन वॉन को दी थी तो उस समय मुझे राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट के एकेडमी के नागपुर से हैं श्री रोमी विंडर, वो एकेडमी को संभालते हैं, तो उनसे मेरा मुलाकात हुआ, तो उन्होंने मूर्ति देख के वो बहुत खुश हुए। तब उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे मुझसे मिलिए और आगे भी हमको कुछ ऐसा करना है, आप कर सकते हो। तब मैं नागपुर अकेडमी में गया था, उन्होंने मुझे उधर बुलाया था, उधर अकेडमी में मैंने एक हनुमान जी की प्रतिमा लगाई थी, वहाँ मंदिर बनाया अकेडमी में, वो भी मेरे से ही बन के गई थी, मैंने ही लगाई। उसके बाद में फिर राहुल द्रविड़ का आया मन में कि वो बैटिंग करते हैं तो क्यों ना उनका बैटिंग करते हुए बनाया जाए। तब वो फोटो मेरे को उधर से अकेडमी से अवेलेबल हुई, तो उसको बनाने का मैंने फिर प्रण कर लिया कि इसको भी बनाना है। फिर मैंने वो एक महीने की मेहनत से वो मूर्ति बनाई, वो भी मैंने फिर राहुल द्रविड़ जी को दी, वो बहुत खुश हुए। उस पर ग्राउंड वगैरह सब बनाया मैंने, वन पीस में मूर्ति बनाया मार्बल की 18 इंच की, तो वो भी बहुत खुश हुए, वो उसको ले गए। और फिर बहुत खुश हुए वो कि हाँ इंडिया में इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जो मार्बल एक पत्थर को लेकर और उसको रूप दे देते हैं, कम बात नहीं होती, प्राण भर दिए। हाँ, डायरेक्टली ना कोई कंपास का काम ना कोई मॉडल का, सिर्फ फोटो को देख के ही मार्बल पे उसका हूबहू बना देना, उसका कॉपी कर देना, वो चीज हमारे गुरुओं से सीखी है, तो उनका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, कि ये सब प्राकृतिक देन भी होती है। आर्टिस्ट आर्ट एक प्राकृतिक देन भी है। आपकी खोपड़ी काफ़ी लोग होते हैं पूरे जीवन नहीं सीख पाते, काफ़ी लोग होते हैं कि बहुत कम समय में सीख जाते हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक देन भी है और इष्ट की देन भी है। तो मेहनत लेकिन सबसे फास्ट है, मेहनत अगर आदमी करता है तो हर चीज़ में कामयाबी हासिल करता है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को भी दी मैंने, उनके गुरु थे सत्य साईं बाबा, तो उनका भी बना के मैं उनको दिया। फिर उसके बाद मैं मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की मूर्ति बनाया, उद्धव जी से मिला, वहाँ भी उन्होंने मेरा जो काम देखा पहले का कि क्रिकेटर का ऐसे ऐसे बनाया, तो वो भी बड़े खुश हुए, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह अवेलेबल करा दी बाला साहेब ठाकरे जी की, तो वहाँ भी मैं एक 2 फुट का शालिक बनाया था और बहुत अच्छा लगा। अगर अब इस फील्ड में हूँ तो अभी मंजुल भाई ने नेपाल बनाया, तो नेपाल अब मुझे मेरा घर जैसा लगता है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हो पाता। अलिकति अलिकति कला क्षेत्र र राजनीतिको कुरा थोरै जोड्छु ल म। नहीं 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 कला हैन हैन मैले सोध्न खोजेको। हां मैले सोध्न खोजेको तपाई यति ठूलो मन गरेर नेपाल आउनु भएको छ, नेपालको यत्रो प्रशंसा गर्नु भएको छ, यहाँको प्राकृतिक परिदृश्यको यत्रो प्रशंसा गर्नु भएको छ, जस्तो राजनीतिको हिसाबले चाहिँ दुईटा यो दुईटा देशमा अलिकति नमजाको त्यो एउटा फिलिङ हुन्छ, तपाईँले त्यो पाटोबाट कहिले सोच्नु भएको छ कि छैन? नहीं, राजनीति की बात करें तो राजनीति के लोग तो क्या है कि देश को और घर को बांटने में लगे हैं। मैं उनकी बातों पे नहीं जाता। काफ़ी लोग जैसे जयपुर में भी मेरे पास आते हैं कि आप इस राजनीति से जुड़ जाइए, हम आपको इधर वार्ड का अध्यक्ष बनाएंगे, ये करें। हमें हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमको राजनीति से क्या मतलब। और हम तो हमारे लिए नेपाल जापान अमेरिका जो भी देश है, जहाँ भी देश के आर्टिस्ट हैं, वो सब हमारे भाई हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं, तब उस आर्ट को हम बहुत बड़ा विश्व का आर्ट बना सकते हैं। अगर हम बिखर जाएंगे, अगर हम टूट जाएंगे, हम बोलेंगे हम इंडियन है, वो बोलेंगे हम नेपाली, अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हम आर्ट को रूप नहीं दे सकते। कोई भी जब बड़ा काम वर्ल्ड में जब कोई बड़ा काम हमको करना है तो मिलके हम कर सकते हैं। हो सकता है जो काम हम कर सकते हैं वो नेपाल के लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो नेपाल के कर सकते हो सकता है वो काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक देन भी एक ऐसी चीज है। नेपाल के लोग पहाड़ में जाके रह सकते हैं, हम तो नहीं रह सकते ना, हमको आदत नहीं, हम चढ़ नहीं सकते, वो लोग दिन भर चढ़ जाते हैं, तो वो उनकी एक क्षमता है, मैं मानता हूँ उनमें बहुत स्ट्रांग है वो लोग। स्ट्रांग है। अभी मंजुल भाई पहाड़ में जाके जापान में काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम। अगर मैं भी सोचता हूँ तो मैं भी एक बार डर जाता हूँ कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं मंजुल भाई, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं वो लोग, तो वो उनकी हिम्मत है, तो मेरे को उनसे सीखने को मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है आर्ट में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, आर्ट में आर्ट एक आर्ट है। आर्ट हमसे अगर जूनियर है तो हमको उससे भी सीखने को मिलता है, हमसे सीनियर है तो उससे भी सीखने को मिलता है, तो हम लोग आर्ट में फुल स्टॉप कहीं है ही नहीं कि यहाँ
आर्ट पूरा हो गया, इसके अब बाद में कोई आर्ट नहीं है। आर्ट को जितना आप करोगे तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इधर आके काम करेंगे तो साथ में काम करेंगे तो हमको अच्छा लग रहा है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है। जब हम मिलेंगे एक दूसरे तभी तो प्रेम बढ़ता है, तब तक हम मिलेंगे नहीं, दूर से ही बातें करेंगे तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, आवागम रहेगा। अब नेपाल की बात करें तो इधर का बस मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यही लगता है कि इधर एक तो टैक्स वगैरह ज़्यादा है और महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि इधर क्या है कि कोई फैक्ट्री एरिया वगैरह मतलब, तो उसी चीज़ को हम लोग कभी हम भी सोचते हैं कि यार इतना हम आते हैं नेपाल में, इतना टैक्स पब्लिक के ऊपर भार इतना क्यों है ऐसा। तो आज हम लोग भी इधर आके काम कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे जो नेपाल दोस्त वो भी कभी उधर जाके काम करें, तो हमने एक दूसरे की करेंसी लेना है, हमने कमाया हमारे पास आया हम उधर ले गए, उधर से नेपाली लोग कमाए इधर आया, तो हम दोस्त आपस में बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जब बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो हो सकता है टैक्स कम हो जाएगा, जब ग्रोथ पैसे की ज़्यादा होगी तो टैक्सेस कम होते चले जाएंगे जब बिजनेस करेंगे हम मिलकर, बिना बिजनेस के तो हम कर नहीं सकते ना। तो हम तो यही चाहेंगे भाई राजनीतिक जो लोग हैं कि बॉर्डर पे जो भी इंडिया से या नेपाल से इंडिया में या इंडिया से नेपाल में कोई भी काम करने के लिए आ रहा है या जा रहा है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तपाईलाई हाम्रो यो फलैचा इन्टरटेनमेन्टको लागि तपाईँले समय दिनुभयो, भारतदेखि यहाँ आउनु भएर हामीलाई यति समय दिनुभयो, यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हामीलाई यति महत्त्वपूर्ण मान दिनुभयो, यति ठुलो कलाकार भएर पनि हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा, और हमको हम इंडिया में जब भी जाते हैं, अभी भी मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ तो वहाँ सब पूछते हैं कि कैसा है नेपाल, मैं बोलता हूँ नेपाल नहीं है वो अपना घर ही है, वो नेपाल नहीं है वो सब अपना ही है, हम उनके हैं वो हमारा है, ऐसा है प्रेम है अच्छा है। बहुत प्रशंसा करता हूँ मैं नेपाल की, मुझे बहुत खुशी होती है मैं नेपाल आया, और बहुत मन आधे समय तो इधर ही आने का मन करा रहता है। नेपाल देखि भारत जाँदाखेरि नेपालको राम्रो सन्देश लगिदिनु होला भारत, तपाईको राम्रो सन्देश म यो भिडियो मार्फत हाम्रा सबै नेपालीहरू र यो भिडियो त अब तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ भारतमा पनि हेर्नुहुनेछ, मेरो भाषा नबुझे पनि भारतमा तपाईँको भाषा बुझ्नुहुनेछ, यसले के सोध्यो भनेर अनुमान गर्नुहुनेछ तपाईँको उत्तरबाट। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सबैसे तब इस वीडियो को लोग देखें नेपाल के भी इंडिया के भी वर्ल्ड में जिधर भी देखें, तो मेरा तो यही है कि किस कभी भी देश एक दूसरे देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हम इंसान हैं और हम जितना प्रेम एक दूसरे देशवासियों से करेंगे उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा, घर बनेगा, हम आ सकते हैं जा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और आज मैं आया हूँ, कल दो इंडिया से और आएंगे, फिर दो के बाद 20 आएंगे, और इधर से 4 से दोस्ती होगी, कल 200 से दोस्ती होगी, तो ये हमारे एक सर्कल घर जैसा बन जाएगा, हमें यही पता नहीं रहेगा कि हम कब इंडिया में कब नेपाल में, हमें तो एक हो गया ना, हमारी नज़रों से देखे आर्टिस्ट की नज़रों से देखे तो हमारे लिए तो एक है, हमें मत कोई बीच में कोई है ही नहीं, हम बॉर्डर को ऐसे भी नहीं देखते, हम सीधा नेपाल को देखते हैं सीधा आने का सीधा जाना है, और बहुत बॉर्डर को हमारे माइंड में अभी हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, बॉर्डर एक सुरक्षा के लिए की जाती है, मानते हैं हम बॉर्डर वासियों को भी जो सैनिक लगे हुए, कला को दृष्टि ले हेर्छौं नि त, हां नहीं सैनिक हैं आपके नेपाल के हमारे इंडिया के सब लोग एक जगह, वो भी तो आपस में बात करते हैं, तो तभी तो उनका दोस्ताना है उधर भी, वो एक ठीक है कार्य है, वो बॉर्डर है मानते हैं, और हमारे जो सैनिक भाई नेपाल के हो चाहे इंडिया के वो भी बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसा हमको फील्स नहीं हुआ कि कोई हमें परेशान वगैरह ऐसा कभी करते हैं, आने जाने में कभी कोई किसी बॉर्डर से हमें कोई परेशानी नहीं हुई आज तक, तो ऐसा कभी दिक्कत नहीं आता है। बस तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले हाम्रो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई, हामी यस्तै विशेष खालका सामग्रीहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु, हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।